खबर आजमगढ़ के लालगंज से है, जहां मां मंगला काली मंदिर खुंभा देवरी पर चरण पादुका कार्यक्रम महंत राम अखंड दास के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष मां मंगला काली की भव्य चरण पादुका शोभा यात्रा गाजे बाजे हाथी घोड़े ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव का भ्रमण करती हुई मां भद्रकाली के मंदिर के पास समाप्त होती है। इस वर्ष भी पूरे सजावट के साथ मां भद्रकाली की चरण पादुका पूरे गांव के बॉर्डर का भ्रमण करते हुए आकर मां काली मंदिर पर समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अस्सी घाट वाराणसी के महंत राम अखंड दास महाराज ने कहा कि मां भद्रकाली त्रियोगुणी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की तीनों शक्तियां मां भद्रकाली में विराजमान है। वह सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। मां की शरण में आने से भव बाधा दूर होती है तथा सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं भी प्रत्येक वर्ष होने वाले चरण पादुका भव्य शोभा यात्रा में आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं और अपने सन्यासी जीवन को समुन्नत करने का प्रयास करता हूं। मां काली कलयुग की सबसे बड़ी देवी है। भगवान राम को भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना करनी पड़ी थी, अतः हमें भी मां के शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक भूप नारायण सिंह, विवेकानंद सिंह, रमाशंकर सिंह, राम अवध दीक्षित, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, तिलखरा शिवपूजन सिंह, प्रेमनाथ सिंह, अभिमन्यु सिंह, राज नारायण दीक्षित, बाबा रामचंद्र दास आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। कांतास्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्याशनम वाहनम वेदात्मा विहगे सरोज मनिका माया जगन मोहिनी ब्रह्मीशादिसुर प्रजस्त दैत त्वदास दासी गण श्रीरीति वचनामती भगवती ब्रह्महि कथम त्वं वयम्। माता की महिमा अनंत है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके महिमा का गुणानुवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह तीनों शक्तियों का समावेश माता में है। ब्रह्मी रौद्र च वैष्णवी तीनों शक्तियां इन्हीं में है और मंगलकारिणी माता जी है, इसीलिए इनका नाम मंगला भवानी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। यह भूप नारायण सिंह खुंभा देवरी के द्वारा स्थापित और हर साल मैं यहाँ पर यह मंगल सुबह अवसर पर पदार्पण करता हूँ। आज के दिन आज गोपाष्टमी है। गांवों की बड़ी सेवा और गांवों का जो है निर्देश होता है कि अगर गांव भारत में सुखी रहेंगी तो सारा जीव जंतु सब सुखी रहेंगे। इसलिए मंगला भवानी की मंगल कामना करते हुए और मैं आशीर्वाद देता हूं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।